खलीज टाइम की रिपोर्ट्स के मुताबिक दुबई में मोहम्मद बिन राशिद सेंटर फॉर इस्लामिक कल्चर ऑफ इस्लामिक अफेयर्स एंड चैरिटेबल एक्टिविटी डिपार्टमेंट ने रिपोर्ट किया कि 2020 की पहली तिमाही में 852 लोगों ने इस्लाम कबूल किया। केंद्र के निदेशक हिंद मोहम्मद लुत्ता ने कहा कि केंद्र अभी भी इस्लाम में धर्म परिवर्तन की इच्छा रखने वाले लोगों को रूपांतरण सेवाएं प्रदान कर रहा है। ये देखते हुए कि व्यापार की निरंतरता सुनिश्चित करने और वर्तमान एहतियाती उपायों का अनुपालन करने के लिए एक वैकल्पिक योजना का मसौदा तैयार किया गया है। सकारात्मक गारंटी देने के लिए परिणाम और पूरे समुदाय की जरूरत को पूरा करते हैं। न्यू मुस्लिम सेक्शन के प्रमुख हाना अब्दुल्ला अल जल्लाफ ने अनुप्रयोगों के माध्यम से संचार करके इन प्रक्रियाओं को विकसित करने, बढ़ाने और आसान करने के अपने प्रयासों के तहत इस्लाम को समझाया। केंद्र के संगठनात्मक प्रशासन के बीच समन्वय पर ध्यान दिया, जैसे व्हाट्सएप, साथ ही टेलीफोन, ईमेल और विभाग के आवेदन के माध्यम से लोगों को सूचना देने के लिए कहा। तुर्की के राष्ट्रपति तैयब अर्दोगन ने मंगलवार को बेरूत में बड़े पैमाने पर विस्फोट के बारे में लेबनानी समकक्ष मिशेल अओन के साथ बात की और कहा कि तुर्की जरूरत के अनुसार मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए तैयार है। वहीं दूसरी तरफ सऊदी अरब ने भी हमले के फौरन बाद बेरूत चिकित्सा टीम सहित अन्य इमदादी मदद भेजी है। आपको बता दें कि हमला इतना बड़ा था कि बेरूत के सभी अस्पतालों में बेड्स फुल हैं। सिटी सेंटर के पास एक पोर्ट वेयर हाउस जिले में विस्फोट में सैकड़ों से अधिक लोग मारे गए और 2500 से अधिक घायल हुए थे। इस बीच बेरूत के भारतीय दूतावास ने फंसे भारतीयों से संयम रखने की अपील की थी, साथ ही भारतीय प्रवासियों के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया था ताकि इस मुश्किल वक्त में भारतीय प्रवासियों की मदद की जा सके। लेबनान के राष्ट्रपति ने बेरूत में 2 हफ्ते के लिए इमरजेंसी लागू कर दिया है। राष्ट्रपति ने कैबिनेट की आपात बैठक भी बुलाई है। समाचार एजेंसी राइटर्स के मुताबिक स्वास्थ्य मंत्री ने 78 लोगों की मौत और करीब 4000 लोगों के घायल होने की जानकारी दी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसी तरह अरब देश की खबरें देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। और आप किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं कमेंट करके अभी बताएं।